नेक्स्ट क्वेश्चन एस एच एम का सवाल है क्वेश्चन से द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एस एच एम इज गिवन बाय द फिगर और ये भी दिया हुआ है सच इज सिमेटिक नॉट टू स्केल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू फॉर द मोशन ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं तो एक काम करते हैं ये ड्रॉ कर लेते हैं पहले सो so, ये अपने को एस एच एम इस प्रकार दिया हुआ है कि आपका पार्टिकल यहाँ से ऐसे ये मूव कर रहा है और ये है आपका टाइम वर्स डिसप्लेसमेंट सो ये आपका एक्स है और ये आपका टाइम है सो so, जब टाइम आपका ज़ीरो है तो पार्टिकल आपका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे है उसके बाद ये आपका टी बाय फोर ये हो गया आपका टी बाय टू आ, थ्री टी बाय फोर और ये आपका टाइम आ गया और हमें सब यहीं तक दिया हुआ है राइट और ये हो गया आपका फाइव टी बाय फोर आ, इसके बाद ये आ गया ठीक है सो so, uh, जो अपने स्टेटमेंट है पहला स्टेटमेंट है फोर से ज़ीरो पहला स्टेटमेंट फोर से एट इस वाली लोकेशन पे आपका फोर जीरो ना इसको अगर हम uh, अपने एस के टर्म में देखेंगे सो so, ही मान लीजिए आपका पार्टिकल है स्प्रिंग लगा हुआ है और ये आपका मेन पोजिशन है और ये ऐसे 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 ऐसे, ऐसे आपका एस एच एम कर रहा है ना टी इज ईक्ल टू ज़ीरो पर आपका पार्टिकल मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे तो यहाँ से आपकी शुरुआत हुई है टी इज इक्ल टू ज़ीरो पर पार्टिकल यहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे है और उसके बाद फिर वो डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हुआ है फिर आपका माइनस ए हुआ है और उसके बाद फिर ज़ीरो एंड सोन एंड सोफोद ये आपका डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हुआ है तो चारों स्टेटमेंट है एक बार चेक को वेरीफाई कर लेते हैं सो अपनी जो स्टेटमेंट है ए बी सी और डी हालाइट right, तो पहला स्टेटमेंट कहता है फोर से जीरो है टी आ, यहाँ पे थ्री बाय फोर पर आपका जो पार्टिकल थ्री टी बाय फोर जब आपका आ, लोकेशन है सो थ्री टी बाय फोर पर आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो है इसका मतलब वो मीन पोजिशन पे है ये आपका प्लस है और माइनस है तो थ्री टी बाई फोर पे पार्टिकल जो है वो आपका आ, उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है मीन पोजिशन पे तो वहाँ पे आपका फोर्स जीरो होता है सो ये स्टेटमेंट आपकी सही हो गई कि फोर्स विल बी जीरो है एक्सेलेशन विल बी जीरो एट दिस पर्टिकुलर लोकेशन सेकेंड स्टेटमेंट है एक्सेलेशन इज मैक्सिमम एट टी इज इक्वल टू टी तो t इज ईगल टू टी यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे आपके डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है तो उस जगह पे आपका पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है तो इफ़ दैट इज द केस वहाँ पे आपका फोर्स सबसे ज़्यादा होता है तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो गई फोर्स आपका मैक्सिमम एक्सलेशन मैक्सिमम होएगा थर्ड स्टेटमेंट है स्पीड इज मैक्सिमम है टी इज ईगल टू टी बाई फोर सो टी बाई फोर पर आपका पार्टिकल क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट जीरो है मेन पोजिशन पे यहाँ पे आपकी वी मैक्सिमम होगी तो ये स्टेटमेंट भी आपका ट्रू हो गया वी मैक्सिमम होएगा चौथा स्टेटमेंट कहता है पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द कानेटिक एनर्जी ऑफ द ऑसिलेशन एट इज इक्वल टू टी बाय टू तो टी बाय टू पे यहाँ देखेंगे जहाँ आपका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम uh, है नेगेटिव साइड में माइनस है आपका एम्पलीट्यूड है यहाँ पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी इज़ नॉट इक्वल टू कानेटिक एनर्जी इनफैक्ट ये बात अगर आपने थोड़ा सा सवाल प्रैक्टिस कर रखें तो ये आपकी जो लोकेशन होती है जहाँ पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी और कनेटिक एनर्जी दोनों बराबर होती है आ, वो लोकेशन होती है आपकी एक्स इज इक्वल टू ए बाय रूट टू प्लस माइनस हालांकि इस लोकेशन पर जाके आता है तो मैक्सिम और मिनिमा पर आपकी पोटेंशियल और कानीटिक बराबर नहीं होती है सो so, आपका स्टेटमेंट भी सही नहीं है ना इनके कॉम्बिनेशन अगर देखेंगे तो इनफैक्ट अगर आपने नोटिस किया हो सिर्फ ये वाला पॉइंट तो आपके ऑप्शन वन टू थ्री तो एनी anyway, गलत हो जाते हैं सो ऑप्शन नंबर फोर वुड बी द राइट आंसर दिस इज़ ए बी एंड सी आर ट्रू सो ऑप्शन फोर वुड बी द करेक्ट चॉइस